हाय एवरीवन, कैसे आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलोक जेटली। जैसे कि आपने टाइटल ही देख लिया होगा कि क्या आप यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हो, मेरी भी हमेशा से यही कोशिश रही है कि मेरी बहनें जो घर के बाहर नहीं जा सकती हैं वो घर में रह करके पैसा कमाएं, अर्निंग करें और अपने पैरों पर खड़ी हों, आत्मनिर्भर बने। इसी के तहत मैंने ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स शुरू किया था यूट्यूब में। मेरे को एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला कि जिसके तहत मैं अपनी बहनों को सिखा पाई और जिसे काफ़ी लेडीज़ों ने सीखा है और अपने पैरों पे खड़ी हुई और उन्होंने अपना पार्लर खोला है और उससे अच्छी अर्निंग भी कर रही हैं। मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि मेरी बहनें जो घर के बाहर नहीं जा सकती हैं वो घर पे रह के कुछ ऐसा काम करें। इसी के तहत मैंने ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स शुरू किया है और ये यूट्यूब में शायद पहली बार था कि जो लाइव मैंने शुरू किया। और इसी के तहत मैं और भी प्रोग्राम से जुड़ी रही हूँ, जैसे मीशो से भी मैं इसी तरह से जुड़ी हूँ कि उसमें भी यही है कि आप घर पे रह के पैसे कमा सकते हो। तो आज मैं आपको YouTube के जरिए भी बताऊंगी कि आप YouTube से भी पैसे कमा सकते हो, बस आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। आपको जो भी आता है, आपको सिलाई कढ़ाई बुनाई पढ़ाई और फैशन मेकअप, जो भी आप में टैलेंट है, आप में जो भी टैलेंट है, आप गार्डन को मेंटेन कर सकते हो, आप में जो भी टैलेंट है, आप बच्चों को पढ़ाते हो, आप को मेकअप का शौक है, आपको क्रिएटिविटी का शौक है, क्राफ्ट का शौक है, सिलाई का शौक है, कढ़ाई का शौक है, आपको जिस चीज का भी शौक है ना, आप उसका चैनल बना सकते हो और बहुत ही इजी है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप यूट्यूब से किस तरह से पैसे कमा सकते हो। बहुत गाइस आसान है, आप में जो भी हुनर है आप उसको ला सकते हो, पब्लिक के सामने ला सकते हो और उसी हुनर से आप पैसे कमा सकते हो। करना क्या है वो आपको मैं बताती हूँ। आप के पास एक फोन तो होगा ना, फोन तो देखो आजकल सबके पास रहता है और वो भी पर्सनल, तो आपके पास भी एक पर्सनल फोन होगा। बस आप जो आपको जिस चीज का शौक है उसका आप वीडियो बना लो, वीडियो बना करके आप यूट्यूब पे अपलोड कर दो और आप जब अपलोड करके बस आपको छोड़ देना है, बाकी काम पब्लिक पे छोड़ दो, वो आपको देखेंगी और पसंद करेंगी, लाइक करेंगी। तो इस तरह से आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हो। इस तरह से सिर्फ आपके पास एक फोन होना चाहिए, फोन का कैमरा अच्छा होना चाहिए और बस आप में जो हुनर है आप इस कैमरे में कैद कर लो और उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दो। भाई जब मैंने भी अपना चैनल शुरू किया था तो सिर्फ मेरे पास एक फोन ही था, मेरे पास कोई स्टैंड नहीं था, कोई कैमरा नहीं था। कैमरा तो मेरे पास अभी भी नहीं है, लेकिन काफी लोग कह रहे हैं कि मैम कैमरा ले लो, तो अब मैं सोच रही हूँ कि कैमरा ले लूँ। आप देख सकते हो मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए लेकिन मेरे पास कोई कैमरा नहीं है। मैंने कोई भी अपना बिजनेस शुरू किया है मैंने बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाया। मैंने अपना पार्लर भी जब शुरू किया था मैंने बहुत पैसा नहीं लगाया था, नॉर्मल जितने से शुरू हो पाया था उतना ही किया था। इसीलिए मैं आपको हमेशा यही रिकमेंड करती हूँ कि आप भी ज़्यादा पैसा ना लगाओ कि ये भी ले लूँ, कैमरा ले लूँ, ये ले लूँ। अरे आपके पास जो फोन है ना बस आप इसी से बना लो, इसमें जो हुनर है आप इसमें कैद कर लो, आप उसका वीडियो बना लो, आप कहीं भी रख सकते हो, आप इसको ऊंची जगह पे रख सकते हो, डिब्बे के ऊपर रख सकते हो, कॉपी किताब के ऊपर रख सकते हो, मेज पे रख के वीडियो आप बना लो, वीडियो बना के आप अपलोड कर दो। जब आपका चलने लगे तो आप इस तरह से ट्राइपॉड भी खरीद सकते हो। ये मैंने काफी बाद ये ट्राइपॉड खरीदा था और ये आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। आप चाहोगे तो मैं इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चाहो तो एक सेल्फी स्टिक भी खरीद सकते हो और ये भी मैंने बहुत बात खरीदी है और इसकी भी मेरे को ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी है। और बाकी जो आपका माइक होगा वो आप फोन के साथ आपको मिल ही जाएगा। और मैंने अब ये लाइट खरीदी है, ये मैंने अमेजोन से मंगाई है और इसको भी मैं लगाना भूल जाती हूँ गाइस, और थोड़ी सी मैं लापरवाह हूँ। और ये लाइट मेरे को बस अभी वीडियो बना रही थी तो याद आया, तो ये लाइट मैंने अमेजोन से मंगाई थी और ये देखिए ये इस तरह से जलती है। तो इसको क्या करते हैं ना, फोन के ऊपर लगा देते हैं, फोन पे लगा करके लाइट ज्यादा आ जाती है, तो इसको भी मैंने यूज नहीं किया है और इसको बस फोन पे इस तरह से रख के सामने से, और ये अच्छा इफेक्ट देती है। तो वैसे मैंने इसको अभी तक यूज नहीं किया है, अभी मैं जो वीडियो बना रही थी तो मेरे को याद आया कि मैंने लाइट भी मंगाई थी, तो आपको सोचा कि दिखा दूं, लेकिन अभी स्टार्टिंग में आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। तो ये था मेरा यूट्यूब पे आप किस तरह से वीडियो बना के अपलोड कर सकते हो।
इसी के तहत अगर आप मेरे से जानना चाहते हो कि वीडियो एडिटिंग कैसे करेंगे, अपने सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएंगे, वीडियो की क्वालिटी कैसे अच्छी करेंगे, तो प्लीज आप अपने कमेंट्स के द्वारा मेरे को बताओ, तो मैं उसी तरह के और वीडियो बनाऊंगी। अगर आप देखना चाहते हो कि मैं अपने वीडियोस बनाने के लिए क्या क्या चीजें यूज करती हूँ, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। मैंने ये अमेजोन से मंगाया है। वीडियो अच्छा लगे मेरे साथ लाइक शेयर कमेंट्स तो करिएगा ही, और प्लीज लाइक जरूर कर दिया करो। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्व रखता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करिएगा। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि अच्छी तरह से और वीडियो आपके लिए लाऊं, YouTube पे चैनल कैसे बनाओगे, एडिटिंग कैसे करोगे, मोनेटाइजेशन कैसे इनेबल होगा। तो अगर आप कहोगे तो मैं इस तरह के वीडियो बना दूंगी। मेरा फेसबुक पेज है सीमा जेटली के नाम से, तो आप मुझको फेसबुक, इंस्टा पे और लाइकी पे फॉलो कर सकते हो, सब में मैं सीमा जेटली के नाम से हूँ। वीडियो अच्छे लगे मेरे से लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करिएगा, और अपने कमेंट्स के द्वारा बताइएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।